मैम सूर्य हो और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ टाइगर 3 के बारे में, यानी कि एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है एंड टाइगर का थर्ड पार्ट जो आने वाला है उसकी शूटिंग आगे कब से शुरू होगी वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जी हाँ, आप सोचोगे भैया पहले भरत को रिलीज होने दे, दबंग को आने दे, फिर आई मीन दबंग 3 को आने दे, इंशाल्लाह की शूटिंग होने दे, उसके बाद बात करना टाइगर 3 की। लेकिन हाल फिलहाल में आपने जरूर सुना होगा कि टाइगर फिल्म की टाइगर थर्ड यानी कि थर्ड पार्ट है जो टाइगर जिंदा है का, उसका स्टोरी आइडिया लॉक्ड हो चुका है। ये मैंने भी खबर आपको बताई थी करीबन एक हफ्ते पहले। अब जब स्टोरी आइडिया लॉक हुआ तो भैया सीधी सी बात है लोकेशन की देखी वगैरह भी होती होगी कहां कहां पे शूटिंग हो सकती है। वैसे भी पॉपुलर फ्रेंचाइजी है, 2012 में जब रिलीज हुई थी एक था टाइगर तो इसने 186 करोड़ का कलेक्शन किया था। जी हाँ, 186 करोड़ का इसने कलेक्शन किया था। फिर 2017 में रिलीज हुई थी टाइगर जिंदा है, आई मीन उस फिल्म तो कमाल कर दिया था, 339 करोड़ तक का कलेक्शन किया था और हिलाकर रख दिया था पूरे बॉलीवुड को। अब ये थर्ड फिल्म जो है टाइगर जिंदा है टाइगर 3 फिलहाल इसको आप समझ लीजिए, इसकी शूटिंग जनवरी महीने से होने वाली है 2020 में। जी हाँ, ये खबर पता चल रही है और ये एक बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ। और वैसे ये खबर सूत्रों के द्वारा है तो आप कहोगे कि भैया सूर्या तो प्रूफ ला के दे या ऑफिशियल कंफर्मेशन दे, तो ऑफिशियल कंफर्मेशन बहुत सारी चीजों का बहुत बार नहीं आता है। तो कई बार लोग ये भी कहते हैं कि सूर्या जब तक तेरे पास ऑफिशियल कंफर्मेशन ना आए तब तक तू न्यूज मत बना। लेकिन आपको बता दो कि कुछ न्यूज जो ऑफिशियल कंफर्म भी नहीं होती है वो दो तरह की न्यूज होती है। कभी कभी जो जैसे कि जो टीम मेंबर्स होते हैं ना फिल्म के, वो लोग ही रिवील कर देते हैं मार्केट में क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन के साथ, पूरी खबर सही रहती है लेकिन उसमें र्यूमर्स रहते हैं, सोर्स का नाम दे देते हैं। तो एक इस तरह की भी खबरें होती है जो प्रॉपर टीम देती है, फिल्म मेकर दे देते हैं मीडिया को कि मीडिया छापे ताकि फिल्म की अपने आप पॉपुलरिटी बढ़ती रहे, है ना, कोई फिल्म आने वाली। तो इस तरह की बहुत सारी खबरें आती है, लिंकअप र्यूमर हर कुछ भी, है ना, समझ रहे हो। एक दूसरा खबर होता है जो मीडिया वाले खुद बना देते हैं, यानी कि कोई न्यूज़पेपर वाला कोई वेबसाइट वाला खुद ही बना देगा ये हो रहा है वो हो रहा है इस एक्टर के साथ, ये फिल्म के साथ ये लफड़ा है वो पंगे। तो दो तरह की खबर होती है, तो इसलिए कभी कभी र्यूमर्स भी मैं न्यूज बनाता हूँ। उसमें कई बार आप अगर देखोगे र्यूमर्स की बातें ज्यादातर सच भी होती है, ठीक है। कुछ कुछ चीजें समझ में आ जाती है कि बहुत ही वॉग है, फेक है, कुछ चीजों पे बहुत क्लैरिटी नहीं होती, लेकिन उसमें ज्यादातर चीजें सच भी होती है। सो दैट्स व्हाई आई मेक र्यूमर्ड न्यूज समटाइम, वो जो कि बहुत ही हाई फंडो न्यूज हो या फिर बहुत बड़ी न्यूज हो और इससे आप सभी पे इम्पैक्ट पड़े, क्योंकि आप लोग ही कहोगे बाद में कि सूर्य इतनी बड़ी न्यूज वो बता रहे हो, चैनल बता ये चैनल बता रहे हो, तो नहीं बता रहा है। तो यस, आई डोंट मेक लॉट ऑफ न्यूज, लॉट ऑफ फेक न्यूज बिल्कुल भी नहीं, कोशिश करता हूँ मैं जो भी बताता हूँ आप यकीन रखिए मैं खुद को उस पे एक मुझे जो सही लगती है उस भरोसे से बनाता हूँ। इसलिए नहीं बताता हूँ कि कई लोग बोल रहे तुझे से व्यूज चाहिए, नहीं वो रीजन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए बड़ी बात यह है कि सोर्स के हिसाब से कि ये जनवरी 2020 के 20 में चालू होगी इसकी शूटिंग, या मैक्सिमम जनवरी एंड में यानी कि टाइगर जिंदा है 3 की शूटिंग चालू होगी। तो ये बड़ी अपडेट है और फिलहाल देखिए लोकेशंस करना चालू कर दिया है अलिया भट्ट सफल ने, बाकी जो फॉर्मेलिटीज है जो प्री प्रोडक्शन वाली जो चीज है वो धीरे धीरे हो रही है और मेरे ख्याल से पूरी तरह से तैयार है अब मेकर्स इस फिल्म को लेकर आगे बढ़ने की। और सीधी सी बात है ये तीसरी फिल्म होगी कटरीना सलमान और अलिया भट्ट सफल की, और फिलहाल तो हम वेट ही कर रहे हैं कि भारत में कुछ धमाका हो उसके बाद हम बात करेंगे, क्योंकि हाँ आई थिंक टाइगर जिंदा है भरत होगी उसके बाद तीसरी फिल्म की, एक था टाइगर तो कबीर खान ने डायरेक्ट की थी भाई। तो आप कितने खुशी इस खबर जरूर बताइए, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चलिए फिलहाल कितना ही, यानी कि तैयार हो जाइए 3 करोड़ के ट्रिपल क्लब के लिए, आई थिंक है ना आराम से हो सकता है। चलिए फिलहाल कितना ही।